दोस्तों कैसे हो आप लोग, उम्मीद है आप सब ठीक हो। दोस्तों एक व्यूअर ने मुझे पूछा था कि कैसे डेबिट कार्ड के थ्रू आप परचेस कर सकते हो फ्रॉम अली एक्सप्रेस, टॉमटॉप, बैंगूर, गियरबेस, जो कि इंडिया के बाहर का वेबसाइट है। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है देन शायद से आपके मन में भी ये क्वेश्चन था कि कैसे डेबिट कार्ड के थ्रू आप परचेस कर सकते हो। तो आज इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल्स दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप यूजिंग डेबिट कार्ड, वो भी SBI डेबिट कार्ड के थ्रू आप परचेस कर सकते हो। पूरा का पूरा फुल वीडियो देखिए, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर आप देख लीजिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। दोस्तों कुछ शुरू करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, अगर इस चैनल पे आप नए हो एंड ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो देन प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि ये मुझे मोटिवेशन एंड एनकरेजमेंट देता है। तो मेरे कंप्यूटर पे जाने से पहले ये मैसेज आप देख लीजिए, जो ऊपर है SBI यानी कि SBI ने भेजा है, नीचे अली एक्सप्रेस से परचेस किया हूँ एंड डेबिट कार्ड पर जो है डिडक्ट हो गया है इतना अमाउंट। तो अभी चलिए मेरे कंप्यूटर पे। दोस्तों AliExpress से परचेस करने के लिए आपको चाहिए इंटरनेशनल ग्लोबल डेबिट कार्ड, अगर वो नहीं है आप अप्लाई कर लीजिए। अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन बैंकिंग खोलना पड़ेगा, अगर ऑनलाइन बैंकिंग नहीं है देन आपको बैंक में जाके जो है आपको अप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद आप लॉग इन कर लीजिए। ये देखिए खुल गया है, अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे ई सर्विसेज है, हर एक बैंक में एक ऐसा सर्विसेज रहेंगे, तो ई सर्विस में जाइए, ATM कार्ड सर्विस में जाइए। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए रिक्वेस्ट ATM एंड डेबिट कार्ड, आप ATM कार्ड को ब्लॉक भी कर सकते हो, पिन जनरेट आप कर सकते हो एंड ऑल्सो न्यू ATM कार्ड एक्टिवेट भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट ATM कार्ड करता हूँ एंड इस पर मेरा जो बैंक अकाउंट है यहाँ पे बैंक अकाउंट सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, नेम बैंक अकाउंट के नेम पे क्या मतलब बैंक ATM में क्या नाम लिखना चाहिए, मतलब क्या नाम आना आप मतलब चाहते हो, तो वो नाम आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। मैं यहाँ पे फिलहाल मेरा नाम दे देता हूँ। अभी जो कार्ड टाइप है, अभी यहाँ पे जो कार्ड टाइप है, कार्ड टाइप आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरनेशनल देखिए SBI ग्लोबल इंटरनेशनल डेबिट कार्ड देखिए दो है, मास्टर कार्ड एंड वीज़ा कार्ड। तो आपको कौन सा सही आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर वीज़ा ज़्यादा मतलब यूज़ करना चाहते हो देन यू कैन अप्लाई फॉर वीज़ा डेबिट कार्ड, अदरवाइज यू कैन अप्लाई फॉर मास्टर। अभी मैं फ़िलहाल वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए SBI ग्लोबल इंटरनेशनल डेबिट कार्ड ये मैं कर देता हूँ, नाउ आई हैव टू एक्सेप्ट। अभी क्या होगा, ये प्राइमरी अकाउंट एंड सेकेंडरी अकाउंट शुड नॉट बी सेम। ओके, यहाँ पे देखिए सिलेक्ट प्राइमरी अकाउंट, जो प्राइमरी अकाउंट है उसी का ही आने वाला है, तो यहाँ पे मैं सबमिट कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए नेम ऑन कार्ड भास्कर दत्ता, SBI इंटरनेशनल डेबिट कार्ड, बुरुआ सुख, कालीबेरी, सिपसा, और मेरा जो एड्रेस है यहाँ पे आ चुका है, बैंक अकाउंट आ चुका है, तो सबमिट कर देता हूँ। अभी ये क्या होने वाला है, मुझे वन टाइम पासवर्ड नहीं तो यूज़र प्रोफाइल मतलब प्रोफाइल जो है पासवर्ड यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं OTP फिलहाल दे देता हूँ, अभी मोबाइल नंबर पे एक OTP आएंगे जो कि मुझे यहाँ पे देना है, उसके बाद विद इन वन वीक जो है मुझे वो मिलने वाला है। तो देखते हैं क्या होता है। अभी देखिए यहाँ पे पासवर्ड आ चुका है, तो मुझे पासवर्ड डालना पड़ेगा, मैं पासवर्ड दे देता हूँ। SBI का सर्विसेज बहुत बढ़िया है, हालांकि मतलब प्राइवेट बैंक में ज़्यादा अच्छा होता है। ये देखिए हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशन, योर कार्ड रिक्वेस्ट हैज़ बीन रिकॉर्डेड, यू विल रिसीव योर डेबिट कार्ड विद इन 7 to 8 वर्किंग डेज एट योर रजिस्टर्ड एड्रेस। ये बहुत ही बढ़िया हो चुका है। दोस्तों जब आपको मिल जाएंगे आपका जो डेबिट कार्ड है, वो मिलने के बाद आपको 2-3 स्टेप्स पूरा करना पड़ेगा ऑनलाइन बैंकिंग में जाके। SBI ऑनलाइन बैंकिंग में आप जाइए, ये जो मेरा पेज है यहाँ पे है ई सर्विस, तो ये देखिए ये है मेन पेज SBI ऑनलाइन बैंकिंग का। तो यहाँ पे ई सर्विस है, तो यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा ATM कार्ड सर्विसेज पे। पहले ही आपको क्या करना पड़ेगा, ATM पिन जनरेशन करना पड़ेगा, ATM मिलने के तुरंत बाद ही आपको पिन जनरेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वन टाइम जो पासवर्ड है वो क्लिक करके आपके मतलब एक मैसेज आएंगे, आप वन टाइम पासवर्ड के थ्रू इसके अंदर घुस जाइए, उसके बाद आपको जो है पिन सेट करने बोलेंगे, तो आप पिन सेट कर लीजिए। उसके बाद आपको फिर से ई सर्विस में ATM कार्ड सर्विसेज में जाना पड़ेगा, उसके बाद जो है आपको ये ATM जो है
एक्टिवेट कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे न्यू एटीएम कार्ड एक्टिवेशन, यहाँ पे जाइए तो आपका ऑलरेडी जो बैंक अकाउंट यहाँ पे नंबर दिखाई देंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, जो एटीएम कार्ड आया आपके पास इंटरनेशनल ग्लोबल कार्ड, उसको यहाँ पे कार्ड नंबर डाल दीजिए, नाउ एक्टिवेट दबा दीजिए, तो वो एक्टिवेट हो जाएंगे। देन उसके बाद और भी एक स्टेप है, क्या करना पड़ेगा, एटीएम कार्ड सर्विसेज में जाइए, देन एटीएम कार्ड लिमिट सेनर यूजर सेनर ये आपको चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए वो क्लिक तो कर दिया मैंने, तो अभी यहाँ पे जाके क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यू दबाना पड़ेगा। कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन आएंगे कि आप क्या करना चाहते हो, यूजेस जो है आपका, जो यूजेस चेंज करना चाहते हो, चैनल जो है, चैनल एटीएम कार्ड चैनल, पॉस चैनल, ऐसा करके बहुत है, वो आप चेंज करना चाहते हो, कौन सा चेंज करना चाहते हो। तो यहाँ पे देखिए आपको मेरा अकाउंट जो दो कार्ड दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो एक कार्ड मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए ये वाला कार्ड जो है 7840 एंडिंग विथ 7840, ये मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। सो कि मैं आपको दिखाई दिया कि 7840 मेरा कार्ड नंबर एंडिंग होता है। तो ये जो है अभी यहाँ पे देखिए क्या करना पड़ेगा, नीचे जाके तो यहाँ पे सिलेक्ट सर्विसेज, तो यहाँ पे आपको यूजेस टाइप में जाना पड़ेगा। यूजेस टाइप में जाने के बाद आपको सबमिट कर देना है, देन दी सिलेक्ट यूजेस टाइप, ये जाके आप इंटरनेशनल यूजेस कर लीजिए। इंटरनेशनल यूजेस करने के बाद यहाँ पे एनेबल आता है, यहाँ पे डिजेबल आता है, तो यहाँ पे एनेबल करके आप सबमिट कर दीजिए, देन आपका इंटरनेशनल जो यूजेस है वो एक्टिवेट हो जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे देखिए मैं अभी जो मेरा इंटरनेशनल डेबिट कार्ड है SBI ग्लोबल डेबिट कार्ड वीज़ा, उसके थ्रू मैं अली एक्सप्रेस में कुछ परचेस करने की कोशिश करूँगा। तो आप ध्यान से देखिए, मुझे ख़रीदना है एकदम सा मतलब सस्ता वाला सामान, क्योंकि ये फॉर एन एग्जांपल मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, आप लोगों के लिए जो है ये परचेस करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखते हूँ सबसे कम वाला सामान क्या है। मुझे एक ईयरफोन चाहिए था, तो एक ईयरफोन मैं लेने वाला हूँ, तो ईयरफोन जो है 56 रुपीज़ में यहाँ पे मिल जाता है, तो यहाँ पे कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही कम प्राइस वाला ये है, तो अभी देखे ये वाला जो है मैं अभी ख़रीदने जा रहा हूँ, तो बाय नाउ। ये देखिए, तो यहाँ पे मेरा एड्रेस है, मैं अभी छुपा देता हूँ, तो ये मैं प्रोसीड कर लेता हूँ, एंड यहाँ पे जो कार्ड है अदर पेमेंट मेथड में मैं चेंज कर देता हूँ। ये देखिए हो गया अदर पेमेंट मेथड, ये जो है चेंज कर दिया हूँ, तो यहाँ पे कॉन्फर्म एंड पे, तो यहाँ पे मेरे कार्ड एंटर करने के लिए बोलेंगे। मैं ये है, ये फ़िलहाल जो कार्ड है ये कार्ड मैं चेंज करके दूसरा कार्ड जो है मैं यहाँ पे एंटर करूँगा। अब देखिए पे विथ कार्ड और अदर पेमेंट मेथड, तो यहाँ पे मैं कार्ड देता हूँ, कार्ड नंबर यहाँ पे डालना पड़ेगा, तो फिलहाल मैं कार्ड नंबर यहाँ पे छुपा देता हूँ। पे नाउ, तो देखते हैं क्या होता है। देखिए ये देखिए पेमेंट हो चुका है, ये देखिए थैंक यू फॉर द पेमेंट। आई थिंक ये वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कुछ सुझाव है तो कमेंट कीजिए, एंड अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।